For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. आखिर क्यों बनी दीपिका सूर्पंखा? बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पद्मावती की वजह से लगातार मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन दीपिका के एक बयान ने उन्हें सूर्पंखा बना दिया। अब तक लोग सिर्फ संजय लीला भंसाली और फिल्म का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच दीपिका ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान मीडिया के सामने जो बयान दिया, उसके बाद दीपिका भी करणी सेना और राजपूत समुदाय के लोगों के गुस्से का शिकार हो गई हैं। करणी सेना के सदस्यों समेत राजपूत समुदाय के कुछ लोगों ने दीपिका का नाक काटने की धमकी दी है। यही नहीं, राजपूत समुदाय के एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दीपिका ऐसे ही बयान देती रही तो दीपिका का नाक काट के उन्हें सूर्पंखा बनाया जाएगा। बहरहाल फिल्म इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच कैसे रिलीज होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।